isn't he? You saw Z, didn't you? He's here with you, isn't he, Beth? With you again! He saw you too. हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल मूवी में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हॉरर सस्पेंस मूवी जी के बारे में। एंड ट्रस्ट में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। शुरू करने से पहले मेरे आपसे छोटी हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार देना ना भूलें। एंड फैमिली मेम्बर्स को भी मेरा दिल से थैंक यू मुझे इतना सपोर्ट करते रहने के लिए। तो नाउ विद दैट सेड चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है जहां हम जॉश को देखते हैं। जॉश की फैमिली में तीन मेंबर्स थे, जॉश, उसके डैड केविन और मदर बेथ। ब्रेकफास्ट के बाद बेथ जॉश को अपने घर के बाहर छोड़ने जाती है, जहां पर जॉश का स्कूल फ्रेंड डेनियल और उसकी मदर जॉर्जिया उसे पिकअप करने आए थे। बेथ को हर रोज अपने माँ के घर जाना पड़ता था जो कि बहुत ही बीमार रहती, इसलिए बेथ के काफ़ी रिक्वेस्ट पर जॉर्जिया जॉश को भी स्कूल तक हर रोज लिफ्ट देती, क्योंकि उसका बेटा डेनियल भी उसी के क्लास में पढ़ता था। अब सीन चेंज होती है जॉश के स्कूल की ओर, जहाँ पर क्लास में जॉश हमेशा कुछ ना कुछ ड्रॉ करते रहता। क्लास टीचर उसे ये करते देखती है मगर उसे कुछ नहीं कहती, क्योंकि वो किसी भी क्लास में ध्यान नहीं देता। रिसेस ब्रेक में हम सारे बच्चों को एक दूसरे के साथ खेलते देखते हैं सिवाय जॉश के। उसका स्कूल में कोई भी दोस्त नहीं था, वो अकेला ही एक पेड़ के नीचे बैठा रहता। रात में बेथ जब जॉश के कमरे में जाती है, वहाँ पर जॉश अकेले ही किसी से बातें करते हुए खेल रहा था। बेथ अपने पति केविन से ये बातें मुस्कुराते हुए कहती है कि जॉश ने एक इमेजिनरी फ्रेंड यानी कि एक काल्पनिक दोस्त बना लिया है, जिस पर बजाय टेंस्ड होने के उन दोनों को ये बात क्यूट लग रही थी। रात होने पर बेथ हर रोज़ की तरह जॉश को सुलाने उसके कमरे में जाती है। जॉश की एक आदत थी कि वह हर रोज सोने से पहले अपने मदर, अपने पापा, अपने टैडी बियर माची और अपने पेट मॉस शुई को गुड नाइट करता। लाइट बंद करने से पहले हर रोज़ की तरह बेथ जॉश से पूछती है कि क्या उसे आज दरवाज़ा बंद चाहिए या वो खुला छोड़ दे। एंड हर बार की तरह जॉश उससे कहता है कि वो दरवाज़ा खुला छोड़ दे, क्योंकि उसे अंदर से डर लगता था। दूसरे रोज फिर से वही रूटीन, जॉश को लेने के लिए जॉर्जिया आई एंड वो लोग स्कूल चले जाते हैं। बेथ भी हर रोज़ की तरह अपनी बीमार माँ के पास जाती है उनकी देखभाल करने के लिए। आज उसकी माँ बेथ से उनकी छोटी बहन के बारे में पूछती है जिसका नाम जेना है। दरअसल बेथ की एक छोटी बहन थी जो कि एक ड्रग एडिक्ट थी एंड बहुत ही इरेस्पॉन्सिबल लड़की थी। वो आज भी अपनी बीमार माँ से मिलने नहीं आई थी, इसलिए बेथ अपनी माँ से झूठ करके एक बहाना बोल देती है। अब सीन चेंज होती है जॉश के रूम में, जहाँ पर बेथ देखती है कि उनका पेट माउस चूही मर चुका है। लंच के दौरान डिनर टेबल पर जॉश एक चौथी प्लेट लाकर टेबल पर रखता है अपने इमेजिनरी दोस्त के लिए। ये देखकर बेथ और केविन को ये उसकी नादानी लगती है एंड वो लोग जॉश से उसके नए दोस्त का नाम पूछते हैं। जॉश अपने इमेजिनरी फ्रेंड की ओर देखकर अपने पिता से कहता है कि वो नहीं चाहता है कि मैं आपको उसका नाम बताऊं। अब जॉश अपनी जगह से उठकर अपने उस इमेजिनरी फ्रेंड के पास जाकर उससे धीरे से कुछ बातें करता है और फिर वो कहता है कि हाँ ये एक अच्छा आइडिया है, जिसके बाद एक क्रेन लेकर वो पेपर पर कुछ ड्रॉ करता है। वो ड्रॉ करता है जी, उसके नए दोस्त का नाम था जी। डिनर के बाद एज यूजुअल बेथ जॉश को सुलाने ऊपर जाती है, जहां पर जॉश अपने इमेजिनरी फ्रेंड जी के साथ द फ्लोर इज लावा गेम खेल रहा होता है, जिसमें पूरी फ्लोर लावा है एंड उन्हें बस पिलोस पर ही पैर रखना था जो गेम में पत्थर का काम कर रहे थे। बेथ जॉश को जल्दी से ब्रश करके सोने को कहती है, जिस पर जॉश उन पिलोस के ऊपर पैर रखते हुए आगे बढ़ता है और आखिरी पिलो उठाकर कहता है कि जी अब तुम फंस चुके हो। बेथ के दोबारा आवाज़ लगाने पर जॉश पिलो को नीचे गिराकर सोने चले जाता है और हर रात की तरह सबको गुड नाइट कहता है। आज भी बेथ लाइट बंद करने से पहले दरवाज़ा खुला छोड़ देती है, लेकिन जॉश उससे कहता है कि वो दरवाज़ा बंद कर दे क्योंकि जी को अंधेरा पसंद है। ये सुनकर बेथ को फाइनली अजीब लगता है। थैंक गॉड हमारे घर में मजाक से वैसे बोल दो ना तो बाबा बुला कर झाड़ फूक तो करवाएंगे ही, लेकिन उससे पहले झाड़ू और चप्पल से कुटाई लगोगी। बेथ केविन से पूछती है कि उन्हें जॉश के इमेजिनरी फ्रेंड के बारे में क्या करना चाहिए, जिस पर केविन उसे ज़्यादा सीरियसली ना लेने को कहता है। केविन का मानना था कि वक्त के साथ ही जॉश बड़ा हो जाएगा और ये सब कुछ भूल जाएगा। दूसरे दिन सुबह जॉश स्कूल जाने के लिए रेडी था, लेकिन उसे लेने के लिए जॉर्जिया नहीं आती। बेथ को खुद ही ड्राइव करके उसे स्कूल छोड़ना पड़ता है, जहाँ रास्ते में वो जॉश से पूछती है कि क्या जॉर्जिया ने उसे कहा था कि वो लोग आज नहीं आएंगे, लेकिन जॉश बिना रिप्लाई दिए ही अजीब तरह से खिड़की के बाहर घूर रहा था।
स्कूल से बेथ जब घर लौटती है वो देखती है कि अंदर एक कमरे से दो चमकती आंखें उसे घूर रही थी। लाइट्स ऑन करने पर वो देखती है कि दरअसल वो एक टॉय ट्रेन पर लगे हुए दो रेडियम स्टिकर्स थे जो कि अंधेरे में चमक रहे थे। अब बेथ को एक कॉल आती है जो कि जॉस के क्लास टीचर का था। स्कूल जाने पर बेथ को ये सुनकर शॉक लगता है कि स्कूल ने जॉस को सस्पेंड कर दिया था। वो टीचर से इसकी वजह पूछती है तो टीचर उससे कहती है कि जॉस बाकी बच्चों को बुरी गालियाँ देता है। क्लास से बिना बताए ही वो उठकर चले जाता है, लेकिन आज तो उसने हद ही कर दी क्योंकि आज उसने एक बच्चे को चोट पहुंचाई थी। बेथ को इन सब बातों पे यकीन नहीं होता, उसका बेटा जॉश ये सब नहीं कर सकता था, जिस पर टीचर वो सारी रेड कार्ड्स उसे देती हैं जिसे उसने जॉश की गलतियां लिखकर उसके साथ घर भेजी थी उसके पेरेंट्स के सिग्नेचर के लिए। बेथ कार्ड्स को देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाती है क्योंकि सारे कार्ड्स पर उसके पति केविन के दस्तखत थे। केविन को इन सब के बारे में पता था लेकिन उसने ये बातें बेथ से छुपाई थी, जिसे लेकर रात में उन दोनों के बीच बहस हो जाती है। जॉश से पूछने पर वो सारा इंजाम जी पर लगा देता है। उसका कहना था कि ये सब उसने नहीं बल्कि जी ने किया था, जिसके बाद बेथ जॉर्ज को लेकर अपने फैमिली डॉक्टर मिस्टर सीगर के पास जाती है। डॉक्टर सीगर का कहना था कि इस उम्र में बच्चों का इमेजिनरी फ्रेंड होना नॉर्मल था, इसमें घबराने की कोई बात नहीं थी, उन्हें बस अपने बेटे का ज्यादा ख्याल रखना होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। चेकअप के बाद बेथ जॉर्ज से अपने घर चलने को कहती है। जॉर्ज बाहर जाने लगता है और पीछे आवाज लगाता है, चलो जी। ये सुनकर डॉक्टर सीगर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। डॉक्टर सीगर बेथ से पूछता है कि जी कौन है, जिस पर बेथ कहती है कि जी ही उसके इमेजिनरी फ्रेंड का नाम है। डॉक्टर सीगर के फेशियल एक्सप्रेशन से ये साफ मालूम होता है कि उन्हें कुछ तो मालूम है जी के बारे में, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहते। वहाँ से सीधी बेथ पार्क में जाती है अपनी छोटी बहन जना से मिलने। बेथ जना को समझाने की कोशिश करती है कि उनके मदर की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, उसे एक बार जाके उन्हें देख लेना चाहिए, लेकिन जना इसे साफ मना कर देती है। रात में बेथ को किचन से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। दरवाज़ा खोलने पर वहाँ पर जॉश एक चाकू पकड़े हुए सैंडविच बना रहा था। वो कहता है कि जी को भूख लगी है माँ। बेथ बहुत डर गई थी। वो जल्दी से जॉश से चाकू छीन लेती है और उसे बिस्तर पर सुला देती है। दूसरे दिन बेथ जॉश को लेकर प्ले जोन जाती है, जहां पर जॉश बिग स्लाइड पर जाने की जिद करता है। बेथ इसके लिए मान जाती है। जॉश बिग स्लाइड से बेथ को हाई करके अंदर चला जाता है और तभी एक डेमोनिक एंटिटी भी उसके पीछे पीछे जा रही थी। बेथ ये देखकर बहुत ही डर गई थी क्योंकि उसने फाइनली जी को देख लिया था। फिर इसे जॉश की चीख सुनाई देती है। वो जल्दी से उसके पास जाती है जहां पर जॉश बेहोश पड़ा था। घबराते हुए उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन जॉश अपनी आंखें खोलकर अपनी माँ पर हंसने लगता है कि मम्मी डर गई, जॉश ने बेथ पर प्रैंक किया था, लेकिन बेथ ने जी को देख लिया था। डिनर के दौरान रात में केविन जॉश से प्लेफुली पूछता है कि क्या मैं जी का ब्रेड खा सकता हूँ, जिस पर बेथ बहुत ही नाराज हो जाती है और केविन से मना करती है कि वह इस तरह से बात ना करे जैसे कि जी सच में हो। अब बेथ बहुत ही डर चुकी थी एंड वो केविन से प्ले जोन में हुए हुए इंसिडेंट के बारे में कहती कि उसने जी को देखा है, जी सच में है, जिस पर केविन मजाक करके बात को टाल देता है। बेथ अकेली पड़ गई थी। रात में उठकर जॉश को देखने जाती है जहां पर वो अकेले बैठे हुए अपनी इमेजिनरी फ्रेंड के साथ खेल रहा था। दूसरे दिन बेथ अपने मदर के घर जाती है जहां पर उन्होंने बीमारी से आखिर में दम तोड़ दिया था। बेथ शॉक में ही थी कि उसे तभी नीचे बेसमेंट से एक आवाज़ आती है जी। बेसमेंट में चेक करने पर उसे अल्फाबेट्स की एक म्यूजिक बोर्ड मिलती है एंड वो उस पर जी बटन को प्रेस करती है, मगर इस बार उसमें से कोई भी आवाज़ नहीं आती। इसके बाद वो उस कीबोर्ड को लेकर घर चली जाती है। बेथ को अपने बेटे की फिक्र सताने लगी थी, इसलिए अपने दोस्तों को कॉल करके उन्हें जॉश को अपने बच्चों के साथ खेलने के रिक्वेस्ट करती है, लेकिन हर कोई ना में ही जवाब देता और कुछ तो जॉश का नाम को ही सुनते ही कॉल को कट कर दे रहे थे। आखिर में बेथ जॉश को लेकर जॉर्जिया के घर जाती है। जॉर्जिया से बेथ पूछती है कि उसे इग्नोर क्यों कर रही थी। इसी बीच जॉश जॉर्जिया के बेटे डैनियल के साथ खेलने ऊपर उसके कमरे में चला जाता है। जॉर्जिया बेथ से कहती है कि उसका बेटा डैनियल हर रोज जॉश से डर कर रोते हुए घर आता था क्योंकि जॉश हमेशा जानवरों को मारने की बातें करता था। बेथ ये सुनकर कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, जॉश तो एक एनिमल लवर है एंड इसी के साथ छत के ऊपर से डैनियल नीचे गिर जाता है। जॉर्जिया अपने बेटे के दर्दनाक चीखों को सुनकर उसकी ओर नीचे भागती है। बेथ ऊपर देखती है तो वहाँ पर जॉश चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों से देखकर ये साफ पता चल गया था कि उसी ने डैनियल को नीचे फेंक दिया था। इतने ऊपर से गिरने पर डैनियल की हालत बहुत ही नाजुक थी, जिस पर एम्बुलेंस आकर उसे हॉस्पिटल ले जाती है और बेथ जॉर्जिया से बहुत ही माफ़ी मांग रही थी। जॉर्जिया उसे वहाँ से चले जाने को कहती है क्योंकि वो दोबारा उन्हें कभी भी देखना नहीं चाहती। जॉश से पूछने पर वो यही कहता है कि डैनियल को उसने नहीं बल्कि जी ने धक्का मारा। दूसरी सुबह हम देखते हैं कि बेथ जॉश के दूध में कोई दवाई मिला रही थी बिना केविन से बात किए। वो जॉश को ब्रेकफास्ट के लिए आवाज़ लगाती है मगर जॉश नीचे नहीं आता।
कमरे में जब वो जॉश को बुलाने जाती है, वो देखती है कि जॉश ने दीवार पर एक बहुत ही भयानक एंटिटी को ड्रॉ किया था। वो कहता है कि मॉम ये जी है, आपको अच्छा लगा? बेथ बात पलट कर उसे खाने के लिए डिनर टेबल पर ले जाती है। खाने के दौरान जॉश दूध पीने से मना कर देता है, जैसे उसे पता चल गया हो कि दूध में कुछ तो है। वो कहता है कि जी उसे दूध पीने से मना कर रहा था, जिस पर बेथ भी फ्रिज से दूध निकाल कर पीने लगती है और ये देख कर जॉश भी अपने दूध के गिलास को पी लेता है। अब बेथ के लिए जॉश का इमेजिनरी फ्रेंड क्यूट नहीं बल्कि भयानक लगने लगा था। जॉश को किसी भी हालत में ठीक करना चाहती थी, इसलिए वो जॉश को जी के लिए डिनर टेबल पर प्लेट भी नहीं लगाने देती। जॉश इस बात से बहुत ही उदास हो जाता है। दूसरे दिन बेथ अपनी सिस्टर जेना को लेकर अपने पुराने घर जाती है, जहां उसे बचपन की कुछ पुराने टेप्स मिलती है। उन्हें देखकर बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है उन्हें देखने के लिए। ऊपर जाने पर वो देखती है कि कुछ देर पहले जॉश जिस कमरे में बैठकर टीवी देख रहा था वो वहां पर नहीं था। उसे हर कमरे में ढूंढने लगती है एंड फाइनली जॉश उसे एक कमरे में मिल जाता है, जहाँ पर वो बस ऊपर पंखे को ही घूर रहा था। एंड इस बात को आप याद रखिए, क्योंकि यही होने वाला है इस वीडियो का क्वेश्चन। बेथ जॉश को लेकर अपने घर चले जाती है और साथ ही उन टेप्स को भी ले जाती है। रात में उन टेप्स को देखने लगती है, जो कि उसके बर्थडे पार्टी का था, जब वो खुद जॉश के उम्र की थी, लेकिन उसकी एक्साइटमेंट जल्द ही डर में कन्वर्ट होने वाली थी। छोटी बेथ वीडियो में कहती है कि चलो जी बाहर जाते हैं। ये सुनकर वो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा सुनती है। वो गलत नहीं थी, उसने जी ही कहा था। ये कैसे हो सकता था? जी तो उसके बेटे जॉश का इमेजिनरी फ्रेंड था, वो कैसे जानती थी जी को? वो बहुत ही सोचती है लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता। वो घर के पीछे जाकर उन टेप्स को आग में जला देती है। काफ़ी दिन बीत जाते हैं और जॉश भी ठीक होने लगा था। वो अब और जी की बातें नहीं करता। बेथ की दी हुई दवाइयाँ अपना काम कर रही थी। एक सुबह जॉश जब ब्रेकफास्ट करने आता है, उसकी तबीयत बहुत ही ख़राब दिख रही थी और वो टेबल पर ही उल्टी कर देता है। ये उन दवाई का ही साइड इफ़ेक्ट्स था एंड केविन को भी इस बात का पता चल जाता है, जिसको लेकर उन दोनों में फिर से बहस हो जाती है। रात में बेथ जब जॉश को सुला रही थी, उसे फिर से वही रोबोटिक वॉइस आती है जी। वो उठकर जब देखने जाती है तो ये आवाज़ उसी म्यूज़िक बोर्ड से आ रही थी, मगर दोबारा चेक करने पर वो काम नहीं कर रहा था। उसे वहीं पर छोड़कर जाने लगती है कि तभी बोर्ड से आवाज़ आती है बेथ। पलटने पर बोर्ड्स में अपने आप ही अल्फाबेट्स प्रेस हो रहे थे। बेथ उन्हें जल्दी से नोट करके एक पेपर पर लिख देती है, जिसका मीनिंग था इमरजेंसी। जिसके बाद बेथ समझ चुकी थी कि उसे क्या करना है। रात में अपने बाथटब में बैठी हुई जी को इमेजिन करने लगती है इमरजेंसी, और फिर आती है एक आवाज़, जैसे कि कोई अभी अभी उस टब में छलांग मारकर चुपचाप एक कोने में बैठा हो, ठीक बेथ के सामने। बहुत हिम्मत करके वो अपनी आंखें खोलकर अपने सामने देखती है, जी वहां पर आ चुका था और डर से चीखने लगती है, जिसे सुनकर केविन आकर लाइट्स ऑन कर देता है और उसे शांत कराता है। दूसरा दिन शुरू होता है बेथ के माँ के घर से, जहाँ पर वो कुछ ढूंढ रही थी। उस ऊपर के कमरे से कुछ आवाज़ें आ रही थी एंड देखने पर वहाँ पर नशे की हालत में उसकी छोटी बहन जना थी। वो अकेले ही वहाँ पर रो रही थी, क्योंकि उसे रिग्रेट था कि उसने अपनी माँ को एक आखिरी बार भी नहीं देखा। बेथ उसे तसल्ली देते हुए वहीं पर सुला देती है एंड यहाँ उसे मिलती है एक क्लू। ये बचपन में उसी का कमरा था और ये बेड भी खुद बेथ का ही था। बिस्तर के लकड़ी पर खुरेदा हुआ था सी प्लस बेथ फॉरएवर। रात में बेड टाइम में जॉश आज किसी को भी गुड नाइट नहीं कहता। अपनी माँ के पूछने पर वो कहता है कि उसे मन नहीं है। वो बेथ से गुस्सा था। बेथ के जोर देने पर वो उससे कहता है कि माँ आपने जी को देखा है ना? बेथ कहती है कि क्या मतलब, उसने भी आपको देख लिया है माँ? ये सुनने के बाद बेथ को कोई ऐसा चाहिए था जो उसकी बातों को सुने। वो ये सब अकेले और नहीं संभाल पा रही थी। बेथ आधी रात में ही डॉक्टर सीगर को कॉल करके उनसे एक अपॉइंटमेंट कर लेती है खुद के लिए। फ़ोन पर डॉक्टर सीगर उससे दो लाइंस कहते हैं, वो सब फिर से हो रहा है ना, वही चीज़ें जो बचपन में तुम्हारे साथ हो रही थी। इतना सुनने के बाद बिना देरी किए वो सीधे डॉक्टर सीगर के पास पहुंच जाती है। डॉक्टर सीगर बेथ के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखे थे, जो बेथ के थे जब वो 8 साल की थी। वो खुद भी डॉक्टर सीगर की एक पेशेंट रह चुकी थी, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। जब बेथ 8 साल की थी, उसके पिता भी उसे यहाँ पर डॉक्टर सीगर के पास लाया करती थी, क्योंकि उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी बिकॉज ऑफ जी। जी हाँ, जी बचपन में उसका दोस्त था। जी कुछ ऐसा था जिसे डॉक्टर सीगर ने कभी नहीं देखा था। वो बहुत ही खतरनाक, डिस्ट्रक्टिव और ऑब्सेसिव था। जब बेथ के फादर ने उसे डॉक्टर सीगर के पास लाना छोड़ दिया था, तो डॉक्टर को लगा कि सब कुछ ठीक हो चुका था। डॉक्टर सीगर बेथ को उसके बचपन की कुछ थेरेपी वीडियो शो करते हैं, जिसमें छोटी बेथ जी के साथ थी।
छोटी बेथ कहती है कि जी कहता है कि जब वो बड़ी होगी तो जी उससे शादी करेगा और वो दोनों मिलकर बहुत सारे बेबीज बनाएंगे। एंड ये देखकर प्रेजेंट बेथ को बहुत ही डिस्टर्ब फील होता है। जी उसके साथ शुरुआत से ही है। डॉक्टर सीगर का मानना था कि जी जॉस का इस्तेमाल कर रहा था बेथ तक पहुँचने के लिए। जी को बस बेथ चाहिए थी किसी भी हालत में। इसके बाद बेथ अपने घर की ओर निकल पड़ती है। उसे ये समझ आ चुका था कि उस घर में वो और उसकी फैमिली एक पल भी अब और सेफ नहीं थी। वो जल्दी से अपने पति केविन को कॉल लगाती है, लेकिन केविन फ़ोन नहीं उठाता। घर में केविन अपना काम कर रहा था कि उसे जॉश के कमरे से कुछ आवाज़ें आने लगती है। बेथ भी गाड़ी पूरी तेज़ी से अपने घर की ओर बढ़ा रही थी। केविन उसी रूम में जा पहुंचता है जहां पर जॉश ने दीवार पर जी को ड्रॉ किया था। उसे वहीं पर नीचे म्यूज़िक बोर्ड दिखती है जिस पर जी अल्फाबेट बार बार ऑटोमेटिकली प्ले हो रहा था। केविन इसे उठाकर बंद करता है कि अचानक कमरे में रखे हुए सारे खिलौने अपने आप ही प्ले हो रहे थे। दीवार पर जी के ड्राइंग को देखने पर केविन को जी की आंखें चमकती दिख रही थी, और इससे पहले कि वो कुछ और समझ पाता, जी दीवार से बाहर आकर केविन को मार डालता है। बेथ जब घर पहुंचती है तो पूरा घर आग में जल रहा था। वो जल्दी अंदर जाकर जॉश को आवाज़ देती है और उसे फिर केविन की लाश पड़ी मिलती है जिसके खून से पूरे दीवार पर लिखा था जी प्ले टाइम जी। आग के बीच में से जॉश रोते हुए अपनी माँ को आवाज़ लाकर बाहर आता है। इससे पहले कि बेथ उसे बचा पाए, कमरे के अंदर से जी उसे अंदर खींच लेता है और दरवाज़ा बंद हो जाता है। बेथ दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश करती है लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता, इसलिए वो जी से काफ़ी रिक्वेस्ट करती है कि वो चाहे तो उसे ले जाए मगर जॉश को छोड़ दे, वो हमेशा उसकी बन जाएगी। एंड बेथ के इतना कहते ही दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है एंड जॉश को लेकर बेथ घर के बाहर चली जाती है। अब क्योंकि बेथ के बहन के अलावा उसका अपना और कोई नहीं बचा था, वो जॉश को लेकर जेना के पास जाती है। जेना से वो जॉश की देखभाल करने को कहती है क्योंकि वो कहीं जा रही थी, उसे कुछ ज़रूरी काम था, इसलिए जब तक वो लौट के वापस ना आए जेना को ही उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। बेथ और कहीं नहीं बल्कि अपने पुराने घर में वापस जाती है क्योंकि उसने जी से डील किया था जिसे पूरा ना करने पर जी जॉश को भी मार डालेगा। बेथ दरवाजे को चाबी से खोल रही थी लेकिन इससे पहले ही दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। जी अंदर उसका इंतज़ार कर रहा था। अब काफ़ी दिन बीत चुका था एंड हम बेथ को देखते हैं जो कि बहुत ही थकी हुई दिख रही थी। जी के लिए वो हर रोज़ नाश्ता बनाती, उसके साथ खेलती एंड उसका देखभाल करती। एक दिन बेथ से मिलने डॉक्टर सीगर आते हैं जिसे बेथ मिलना नहीं चाहती क्योंकि बेथ को ये अच्छा नहीं लगने वाला, लेकिन डॉक्टर सीगर बाहर से आवाज़ लगाकर उसे दरवाज़ा खोलने को कहते हैं। डॉक्टर सीगर किसी तरह घर के अंदर आ जाते हैं एंड बेथ से पूछते हैं कि क्या उसे ये चाहिए था, क्या वो इस तरह से खुश है। बेथ को डॉक्टर के पीछे जी दिखता है। वो डॉक्टर सीगर पर हमला करने ही वाला था लेकिन इससे पहले ही वो उन्हें घर से बाहर जाने को कहती है। जाने से पहले डॉक्टर सीगर उसे एक बात कहते हैं कि जी को तुम नहीं बनाया है, वो तुम्हारी ही सोच का नतीजा है, तुम उसे हरा सकती हो। लेकिन बेथ रोने के अलावा और कर ही क्या सकती थी, सी वॉज हेल्पलेस। डॉक्टर की बातों से बेथ एक ट्राई करने का सोचती है। बाथरूम को अंदर से डोर लॉक करके मिरर के सामने खुद से कहती है कि दिस इज नॉट रियल, ये सब कुछ सच नहीं है। लेकिन जी बाहर से दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था। बेथ चिल्लाकर उसे रोकने को कहती है जिस पर जी रुक जाता है। बाहर आने के बाद वो सारे डोर्स और विंडोज़ को सील कर देती है जिससे ना तो कोई अंदर आ पाए और ना कोई बाहर जा पाए। रात में सोने से पहले वो मोबाइल पर जॉस के फोटोज़ को देख रही थी कि उसे तभी जी के आने की आहट सुनाई देती है। फोन को रख कर सोने का नाटक करती है एंड ये सीन बहुत ही क्रीपी होने वाला है क्योंकि जी उसी बेड पर चढ़कर बेथ के ब्लैंकेट में उसके साथ सोता है। सुबह होने पर बेथ को किचन टेबल पर उसकी फ़ोन पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड मिलती है जिसे जी ने ही तोड़ा था। फीलिंग हेल्पलेस वो पीछे पलटकर उससे पूछती है कि उसे खाने में आज क्या चाहिए था। आधी रात में बेथ जी के साथ हाइड एंड सीक खेल रही थी जहाँ पर बेथ को एक कमरे में उसके पिता फांसी लटकते हुए दिख रहे थे। ये सब जी ही उसे दिखा रहा था। बेथ के पिता ने बचपन में खुदकुशी कर लिया था और मूवी के पहले सीन में जॉस इसी पंखे को घूर रहा था। सुबह उठने पर बेथ को उसके सामने एक वेडिंग ड्रेस मिलती है एंड पूरे घर में सफ़ेद गुलाब के फूल बिखरे पड़े थे जैसे कि आज उसकी शादी हो। बेथ चुपचाप ड्रेस पहनकर नीचे जाती है जहाँ पर टीवी पर उसकी पुरानी मैरिज वीडियो प्ले हो रही थी जिसमें फादर कपल को पति पत्नी घोषित कर रहा था। इसके बाद बेथ जी के साथ मिलकर फ्लोर इज लावा गेम खेल रही थी जिसमें आखिरी पिलो उठाकर कहती है कि तुम फंस गए हो जी, और नीचे के टेलीफोन से अपने बेटे जॉश को कॉल करने के लिए नीचे भागती है। जॉश बेथ से बात नहीं करता, वो अपनी माँ से कहता है कि तुमने मुझसे मेरा दोस्त छीन लिया है और फ़ोन को काट देता है। बेथ जब ऊपर वापस जाती है तो कमरे में हर जगह पिलोस पड़े थे, जी ने सब कुछ सुन लिया था और हर जगह जी को ढूंढने लगती है।
नीचे दरवाजे की टूटने की आवाज़ से वो नीचे जाती है, मगर बहुत देर हो चुकी थी। जी घर से बाहर निकल गया था। बेथ जल्दी दोबारा जना को कॉल करके उससे जॉश को लेकर वहाँ से जल्दी भागने को कहती है, क्योंकि जी वहाँ पहुँचने वाला था। जना जॉश को ढूंढती है मगर वो घर में नहीं था। दूसरी ओर डॉक्टर सीगर भी पुलिस को लेकर बेथ के घर पहुँच गए थे, जिसे देख कर बेथ दरवाज़ा को अंदर से लॉक कर देती है। तभी जेना जॉश को ढूंढते हुए बाहर आती है, जहां पर जॉश ट्रेन के पटरी पर बैठा हुआ जी के साथ खेल रहा था। जी वहां पर पहुंच चुका था। रेलवे ट्रैक्स पर तभी ट्रेन भी आने लगती है, जो कि जॉश की ओर पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। जेना ये देखकर जॉश को बचाने के लिए उसकी ओर भागने लगती है। दूसरी ओर घर पर पुलिस भी दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। एंड फिर से डॉक्टर सीगर अंदर डरी हुई बेथ को शांत कराते हुए कहते हैं कि जी तुम्हारा ही इमेजिनेशन है एंड तुम ही उसे रोक सकती हो। इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बेथ को समझ आ जाता है कि उसे क्या करना होगा। नाउ सीन कम्स बैक टू जेना, जो जॉश की ओर पूरी ताकत से दौड़ रही थी। एंड स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है। घर में हम देख पाते हैं कि बेथ ने खुद को फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। एंड फोन पर जेना कहती है कि जॉश इज सेफ। अब हम कुछ महीनों आगे आ जाते हैं एंड हम देखते हैं कि बेथ जिंदा थी मगर पूरी तरह से पैरालाइज हो चुकी थी, जो बस अपने चेयर से जॉश को ही देखती रहती। जेना अब उन दोनों का ध्यान रख रही थी। एंड अब आती है मूवी की आखिरी सीन, जिसमें सोने से पहले जॉश सबको गुड नाइट कहता है। गुड नाइट मॉम, गुड नाइट आंट जेना एंड गुड नाइट जी। जी हाँ, आपने सही सुना, जी कहीं भी नहीं गया था, वह अब भी वहीं उसी के साथ था। एंड इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। एक सवाल जाने से पहले कि जॉश पंखे को क्यों घूर रहा था, लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो अगर आपको मेरे मैंने जरा सा भी पसंद आया तो डू सब्सक्राइब एंड सो सम लव। इन दिस जर्नी हम एक न्यू फैमिली है, तो आप भी इसका हिस्सा जरूर बने। मिलते हैं नेक्स्ट।